401, and who would have thought this would be the result of the match? Look, obviously a nice first half, and then, you know, a little bit of weather played its part, but can't take much away from the way the Pakistan top order came out, particularly, obviously, Zaman. The ground wasn't big enough for him, and he played an exceptional knock, so, yeah, quite hard to get our heads around after, you know, that total on the board, but... for us, you know, it's taking the positives away, and there's a lot to go into our next match. Yeah, that's the thing, because it was a shocking game, and people would think you were very hard done by the sudden reduction of overs and eventually the match getting called off. But a lot of people would still think, you know, Pakistan played well and maybe deserved to win in the end. Yeah, I mean, they played exceptionally well. They gave themselves every chance, and obviously at the end of the day, they got across the line. I suppose having the match shortened, it brings... you know, both teams a little bit closer together, I suppose, when you're chasing 400, but they played exceptionally well, and they were certainly on target with their chase. So, it would have been nice for the full 50, but having said that, you know, there are absolutely things that we want to touch on, and you know, it was really tricky to shut down that short side, and Zaman exploited that beautifully, and that partnership with Mubber as well. So, you know, full credit, they deserve their result today, and for us, it's moving on quickly and focusing on our next challenge. They pitai. But New Zealand par sawal uthta hai ab. Jo team 401 run bana ke bhi match haar jaye. भाई वो टीम तो जाना डिजर्व नहीं करती सेमीफाइनल में। हाँ, पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उन्होंने लेट स्टार्ट किया है, वो बड़े मैच हारते रहे, सिर्फ बांग्लादेश, नेदरलैंड और श्रीलंका को हराया, तो वो भी डिजर्व नहीं करती। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल पाकिस्तान ने यह मैच जिस तरह से जीता है, कोई बड़ी बात नहीं कि यही टीम सेमीफाइनल में जाए। इक्वेशन अभी भी मुश्किल है, लेकिन बात पहले आज के मैच में, वो जो बरसात आई उसने थोड़ी देर के लिए न्यूजीलैंड की हेल्प की, लेकिन दोबारा जो बरसात आई उसने ही न्यूजीलैंड के लिए जो मैच था वो दफना था। भाई आप 402 चेज कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे, लेकिन फखर जमान ने जिस तरह बैटिंग करनी शुरू की, और फखर जमान की बैटिंग आपको 90s की बैटिंग की तरह दिखी होगी, जैसे सईद अनवर खेलते थे। मुझे तो फखर जमान को खेलते देख ऐसा लग रहा था कि सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं। बाबर थोड़ा स्लो थे टू बिगिन विद, लेकिन एक इंटेलिजेंट नॉक थी, कप्तान की जिम्मेदारी वाली पारी थी। वो जानते थे कि अगर फखर जमान छक्के मार रहा है तो मुझे छक्के मार के कुछ नहीं मिलना, मुझे सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी है, भले ही मैं 4 गेंदे एक्स्ट्रा खेलूं, क्योंकि शायद वो कॉन्फिडेंस उनको था कि फखर खेलते जाएंगे। लेकिन मेरा यह मानना था कि अगर पाकिस्तान की एक विकेट गिर जाती तो शायद वो दबाव आता, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जब आप 402 रन चेज कर रहे हैं, लगता है कि यार अहम बना देंगे, और ब्रीफ एक पीरियड आता है जहां पर लगता है कि टीमें जो हैं चेज कर देंगी, बट फिर एक विकेट गिरती है, फिर दो गिरती हैं, और फिर एंड में जाके रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं जाता। इसीलिए जो बरसात हुई, जो पहले एक घंटे की बरसात हुई, फिर टारगेट रिवाइज हुआ, 41 ओवर में 342 बनाने हैं, वहां पर पाकिस्तान का नुकसान था, ओवर 9 निकल गए, लेकिन एक हाई स्कोरिंग गेम में रन सिर्फ 60 कम हुए, लेकिन उनको फायदा हुआ वो जो एक घंटे का ब्रेक हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, और फखर जमान और बाबर को सिर्फ आके दोबारा से 8-10 गेंदों में अपने आप को अप्लाई करना था, बट वो एक बात समझ गए थे कि ये मैच 41 ओवर नहीं जाएगा। यहीं पर न्यूजीलैंड ने चूक, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भी बरसात दोबारा आएगी, हमें सिर्फ डकवर्थ लुईस में आगे रहना है और इतना मार्जिन लेके चलना है कि हम 41 ओवर नहीं सोच रहे, हम 41 ओवर में 342 नहीं सोच रहे, हमें सिर्फ डकवर्थ लुईस में 10-15-20 रन का जो इजाफा है वो करते रहना है। यहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने मूर्खता की, सबसे बड़ी बेवकूफी की। वो जानते हैं बरसात ऐसा नहीं है कि अचानक से गिरती है, और कवर्स भी ऐसे नहीं है कि अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आमतौर पर आप भी टीवी मैच देखते हैं, वो बूंदे गिरनी शुरू होती है, वो हल्की हल्की बूंदे गिरनी शुरू होती है, फिर कवर्स आते हैं एंड देन दे गो ऑफ। इसी बात पे मैं सबको बता रहा हूं कि बार बार यही बात हो रही थी कि कुदरत का जो निजाम होता है वो अटल होता है। फखर जमान ने सईद अनवर की तरह खेला और कुदरत ने बिल्कुल साथ दिया, रेन स्टॉप भी हुई, बाद में प्ले भी हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को कुदरत ने ही जो ये मौका दिया, वरना उसके बाद जब बारिश रुकती है दोबारा आती है। रहा था तो वो लग रहा था कि बस यार ये 5-7 ओवर की गेम है, वहां पर उन्होंने क्या किया, ईश सोडी को शेरों के सामने डाल दिया। अब ईश सोडी लेग स्पिनर है और उनके सामने फखर जमान, उस ओवर में आए 20 रन,
20 रन आए उस ओवर में और पाकिस्तान जब बाहर निकला उसके बाद उसको बरसात इतनी हुई कि मैच होना ही नहीं था, 21 रनों से जीता। सो बात वही आ जाती है कि न्यूजीलैंड ने भी तो पाकिस्तान के हाथों में खेला, पाकिस्तान ने द मोमेंट न्यूजीलैंड पे दबाव बनाया, न्यूजीलैंड जो है वो क्रैक कर गया और उसके साथ पाकिस्तान कम बैक करेगा या न्यूजीलैंड, लेकिन पाकिस्तान के चांस बहुत ज्यादा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पाकिस्तान इंग्लैंड को हराएगा।